क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप विशेष सैयर को एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों शुरू हो चुका है आईपीएल 2022। जी हां दोस्तों, इस टूर्नामेंट की शुभ शुरुआत करने के लिए आए सर जडेजा और श्रेयस अय्यर दोनों ही अपने अपने टीमों के लिए नए कप्तान चुने गए हैं इस साल। तो आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला खेला जा रहा है वानखेड़े के तूफानी मैदान पर। ऐसे में ओपनिंग मुकाबला था आज कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। दोस्तों अपने पहले ही मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स उतरी गेंदबाजी करने के लिए और चेन्नई सुपर किंग्स उतरी बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ सलामी बल्लेबाज बनकर आए चेन्नई सुपर किंग्स के और उनके साथ न्यूजीलैंड के नए सलामी बल्लेबाज डिवॉन कॉनवे आए। लेकिन शुरुआत इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की काफी ज्यादा खराब रही। दोस्तों उमेश यादव की बाहर जाती हुई इस गेंद को पढ़ नहीं पाए ऋतुराज गायकवाड़ और एज देकर स्लिप में खड़े नीतीश राणा को इस तरीके से अपनी कैच दे बैठे ऋतुराज गायकवाड़, जिसके चलते पहली विकेट मिली पहले ही ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को और मात्र शून्य रन बनाकर उमेश यादव की गेंद पर नीतीश राणा को कैच देकर ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए। उनके बाद मैदान पर तीसरे नंबर पर सीएसके की तरफ से उत्तप्पा आए बल्लेबाजी करने के लिए और इन दोनों के ही बीच में लगभग 5 ओवर से ज्यादा की पार्टनरशिप हो चुकी थी, जहां 2 छक्के और 2 करारे चौके लगाकर उत्तप्पा सेट हो गए थे। तो इनकी बल्लेबाजी को देखकर श्रेयस अय्यर मैदान पर परेशान हो रहे थे। लेकिन तभी वापस से उमेश यादव डिवॉन कॉनवे के सामने गेंदबाजी करने आए और आते ही उन्होंने डिवॉन कॉनवे को इस तरीके से फंसाया। दोस्तों आगे बढ़ने के चक्कर में गेंद को खेल बैठे डिवॉन कॉनवे और गेंद के नीचे आ गए कप्तान श्रेयस अय्यर, जिसके चलते बड़ी विकेट मिली कोलकाता नाइट राइडर्स को। इसी के साथ डिवॉन कॉनवे मात्र 3 रन बनाकर उमेश यादव की गेंद पर अय्यर को अपनी कैच देकर आउट हो गए। 202 विकेटों जाने के बाद अंबती रायडू मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। 228 रन पर 2 बड़े विकेट गिर चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स के और दोस्तों आप सभी को जानकर हैरानी होगी क्योंकि दोनों ही विकेट सलामी बल्लेबाजों के चेन्नई सुपर किंग्स के उमेश यादव ने निकाले। ऐसे में 2 ओवर में 2 विकेट निकाले उमेश यादव ने। तो दोस्तों आप कोलकाता नाइट राइडर्स के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों शुरू हो चुका है टाटा आईपीएल 2022। जी हां दोस्तों, इस साल का आईपीएल काफी रोमांच होने वाला है, जहां इस बार 8 नहीं 10 टीम है आईपीएल के इस सीजन में। दोस्तों टाटा आईपीएल इस बार काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, 2 नई टीमें आ चुकी हैं। ऐसे में शुरू होने वाला है टाटा आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला। दोस्तों इस साल के सीजन का पहला मुकाबला होने वाला है श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स और रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। जी हां दोस्तों, ये दोनों ही नए कप्तान बने हैं अपनी अपनी टीम की तरफ से। सर जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान बनाया गया है तो उनके साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को नया कप्तान बनाया था। ऐसे में आमने सामने आ चुके हैं दोनों ही खिलाड़ी अपनी अपनी टीम को लेकर। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें तो वानखेड़े के मैदान पर केकेआर टॉस जीती है तो सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगी पिच को मद्देनजर रखते हुए और चेन्नई सुपर किंग्स बल्लेबाजी करने आ सकती है। अगर पिच की कंडीशन थोड़ी सी खराब हो सकती है तो कोलकाता नाइट राइडर्स पहले बल्लेबाजी भी ले सकती है। ऐसे में सर जडेजा की सेना तूफानी तरीके से प्रदर्शन करने वाली है क्योंकि इस बार कप्तान जडेजा है और महेंद्र सिंह धोनी विकेटकीपर है। तो वही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में श्रेयस अय्यर एक नए कप्तान के रूप में उभर कर आए हैं। ऐसे में श्रेयस अय्यर को टक्कर लेना है सर जडेजा से और महेंद्र सिंह धोनी से, तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है श्रेयस अय्यर के लिए क्योंकि सर जडेजा का फॉर्म वैसे ही काफी ज्यादा खतरनाक चल रहा है लेकिन श्रेयस अय्यर भी तूफानी फॉर्म में है। दोस्तों सर जडेजा के साथ महेंद्र सिंह धोनी है तो वही श्रेयस अय्यर के साथ आंद्रे रसल है। ऐसे में साल का टाटा आईपीएल इसीलिए इतना रोमांचक है क्योंकि इस साल मेगा ऑक्शन में कई बड़े बड़े खिलाड़ी दूसरे टीमों में हो चुके हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, एक वक्त था जब श्रेयस अय्यर महेंद्र सिंह धोनी के साथ कप्तानी करते थे और एक वक्त आज आया है श्रेयस अय्यर के लिए जहां वो सर जडेजा के साथ कप्तानी कर रहे हैं और इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स के वो कप्तान बने हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, ज्यादातर लोग चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं पहले मुकाबले में। अब देखना यह होगा कि अब तूफानी तरीके से कौन सी टीम पहला मुकाबला जीत पाएगी। दोस्तों दोनों में से आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता देवे जाएं। दोस्तों शुरू होने वाला है आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। दोस्तों आप सभी को बता दें, पिछले साल के यानी कि आईपीएल 2021 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को हरा कर रख दिया था, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का पहला मुकाबला खिलाया जा रहा है टाटा आईपीएल 2022 का। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के पास दीपक चहर है लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान अब नहीं है क्योंकि इस साल के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने बना दिया है सर जडेजा को कप्तान। ऐसे में यह नवे कप्तान दोनों ही टीमों के पास है क्योंकि श्रेयस अय्यर बन चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान। दोस्तों सर जडेजा एक तरफ युवा कप्तान है
तो वहीं श्रेयस अय्यर भी काफी बड़े युवा कप्तान है। दोस्तों पिछले साल के ऑरेंज कैप के विजेता थे ऋतुराज गायकवाड़। जी हां दोस्तों, इनके सर पर ऑरेंज कैप थी पिछले सीजन में। कल भी इनके पास रॉबिन उथप्पा तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इनके साथ साथ मोइन अली को चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेन कर लिया था, जिसके चलते आज के वक्त भी काफी ज्यादा खतरनाक है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। दोस्तों आप सभी को बता दें, पहला मुकाबला खेला जाने वाला है शाम 7:30 बजे वानखेड़े के मैदान पर। टाटा आईपीएल 2022 का ओपनिंग मुकाबला होगा। ऐसे में ओपनिंग सेरेमनी साल भी नहीं है। दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। दोस्तों पहला मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। वानखेड़े का ये मैदान है, दोनों ही टीमें आमने सामने आने वाली है, जिसके चलते 26 मार्च को वानखेड़े के मैदान पर शाम 7:30 बजे तूफानी मुकाबला शुरू होगा। 200 विनिंग परसेंटेज की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के जीतने की संभावना है 70%, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने की जीतने की संभावना है सिर्फ 30%। ऐसे में आप हमें कमेंट में बताइए कि कौन सी टीम पहला मुकाबला जीत पाएगी। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के लिए लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो जल्दी से लाइक जरूर करें। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी से इस्तीफा दिया है और सीएसके के नए कप्तान सर जाडेजा है। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने इतना बड़ा फैसला तो अकेले लिया नहीं है, क्योंकि सीएसके की मैनेजमेंट में भी काफी ज्यादा बातें चल रही थी आने वाले कप्तान के लिए। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महेंद्र सिंह धोनी ने किस लिए अपनी कप्तानी का इस्तीफा देने का फैसला किया और किस हिसाब से सर जाडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान बनाया गया। तो इसके पीछे है सबसे बड़ी वजह महेंद्र सिंह धोनी की। जी हां दोस्तों, पिछले सीजन में महेंद्र सिंह धोनी अपने बल्ले से ज्यादा कुछ करिश्मे नहीं कर पाए थे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें, हर एक कप्तान की एक उम्र होती है और हर एक खिलाड़ी को रिटायर लेना पड़ता है, चाहे वो आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी का पहले से भी यही कहना था कि उनकी फिटनेस की वजह से वो ज्यादा और कप्तानी नहीं कर पाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स की, और चेन्नई सुपर किंग्स को एक नए कप्तान की तलाश थी, जिसके चलते सर जाडेजा एक युवा खिलाड़ी है और ये कंसिस्टेंट बल्लेबाज और गेंदबाज रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। ऐसे में आने वाले समय में सर जाडेजा एक बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं, ऐसा मानना था महेंद्र सिंह धोनी का, जिसके लिए महेंद्र सिंह धोनी ने फैसला किया कि सर जाडेजा को कप्तान बनाया जाए और वो कप्तानी से इस्तीफा लें। दोस्तों आप महेंद्र सिंह धोनी की इस बात से सहमत है या नहीं, इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते हुए जाएं। वीडियो सही हो तो एक दिल से लाइक करें और सीक्रेट की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद। अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों लेकर आ गए हैं आपके लिए साल की सबसे बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, अभी अभी महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में तहलका मचाते हुए काफी बढ़िया अनाउंसमेंट कर दी है। जी हां दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने अनाउंस कर दिया है कि इस साल के चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान वो नहीं रहेंगे। जी हां दोस्तों, उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि कौन सी खिलाड़ी ने अब कप्तानी का पद संभाला है। ऐसे में कई युवा खिलाड़ी टीम में है चेन्नई सुपर किंग्स की, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी आपको होगी कि कौन से खिलाड़ी को महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान बनाया उनकी जगह। दोस्तों खिलाड़ी और कोई नहीं, सर जाडेजा है। जी हां दोस्तों, अभी जब चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल हैंडल पर ये पूरी तरह से जाहिर हो चुका है कि सर जाडेजा नए कप्तान है चेन्नई सुपर किंग्स के, और महेंद्र सिंह धोनी ने पहली बार अपनी कप्तानी से चेन्नई सुपर किंग्स की इस्तीफा दे दिया है और एक विकेट कीपर और खिलाड़ी की हैसियत से महेंद्र सिंह धोनी खेलने वाले हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान है हमारे सर जाडेजा। जी हां दोस्तों, ये ऑफिशियली आ चुका है, आप सभी चेन्नई सुपर किंग्स के हैंडल्स पर सोशल मीडिया के जाकर देख सकते हैं। सर जाडेजा को नया कप्तान घोषित कर दिया गया है चेन्नई सुपर किंग्स का। ऐसे में एज अ न्यू कैप्टन सर जाडेजा चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2022 में। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान हैं सर जाडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने पहली बार इस्तीफा दिया है चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी से। अब सर जाडेजा की कप्तानी में खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और सीक्रेट की खबर में सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।